नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट खबरों से। विजयादशमी पर्व पूरे देश में कल मनाया जाएगा, लेकिन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आज विजयादशमी पर्व हर्ष उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। उज्जैन में परंपरागत रूप से दशहरा मैदान में विशालकाय रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण दहन के बाद सभी ने एक दूसरे को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा मध्य प्रदेश के उज्जैन में धूमधाम से मनाया गया। उज्जैन में रावण दहन का मुख्य आयोजन दशहरा मैदान पर किया गया। दशहरा मैदान पर रावण दहन का आयोजन 55 सालों से किया जाता आ रहा है। यहाँ रावण का पुतला 101 फीट ऊँचा बनाया जाता है। रावण दहन के पहले यहाँ पर रंगारंग आतिशबाजी की गई। हेलो, नमस्कार। कौन? Thank you.
परंपरागत ढंग से रावण का पुतला निर्मित किया गया था। 101 फीट का रावण और आकर्षक आतिशबाजी इस वर्ष यहाँ पर दिखाई गई और बुराई का प्रतीक रावण का दहन करके और आज यहाँ पर दशहरा महोत्सव सादर संपन्न किया गया। कमिंग अप न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें।